इमरान खान डोनाल्ड ट्रंप हमला हुआ उसके बाद दो टॉप ट्रेंड है, एक डोनाल्ड ट्रंप है अरबी में लिखा हुआ है या जो भी उनकी लैंग्वेज है, और फिर साथ ही इमरान खान है। इमरान खान फॉर ऑब्वियस रीजन के आ चुके, उनके हवाले से फैसला आया। और मोहब्बत की हुंदी चले आजी नूची हुंदी। जदों कदे किसी देश दे विच एक फिरके नू या किसी इंडिपेंडेंट बंदे नू ये लगता है कि दुनिया दे विच जां उस सरकार दे विच बहुत कमियां ते उन्होंने बहुत धक्का कीता है, तां उत्थे कुछ असैसिनेशन अटैम्प्ट कीते जांदे आ। रीसेंटली आपां पाकिस्तान दे विच खबर सुनी सी कि इमरान खान दे उपर काफ़ी सारे इदां दे हमले कीते गए जिन्हां विच ओह बाल बाल बचे, ते हुण इक जिहड़ा आपां नू पता लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जिहड़ा कि अमेरिका दा भी प्रेजिडेंट ने, ठीक है, ते उन्हां दे उपर हमला होया। इन्हां दी जिहड़ी एक फुटेज आ ओह वी आपां नूं इंटरनेट ते देखण नूं मिल सकदी है कि जिहदे विच कहिंदे कि दो गनमैन नूं जिहड़े इन्हां दे गोली लगी सी जिहदे चों इक दी डैथ हो गई ते इक हजे जिंदा है, ते ट्रंप साहब दे वी कहिंदे कि कन्न दे कोलों दी गोली जिहड़ी छू के चल गई। हुण उहदे पिछे रीज़न की आ उह तां मैनूं हजे तक नहीं पता क्योंकि आपां कोई खास एक्टिव नहीं हैगे अमेरिका दी पॉलिटिक्स नूं लैके। सो पर एक वीडियो है जिहदे विच सिमिलैरिटीज़ दसियां गई हैं कि इमरान खान ते डोनाल्ड ट्रंप दे विच की सिमिलैरिटीज़ है इन्हों इंसीडेंट्स दे विच कि असैसिनेशन अटैम्प्ट किया गया। सो लैट्स वॉच दिस वीडियो एंड तक देखियो तो आप देखते हैं कि कितनी की सिमिलैरिटीज़ है एंड की ओदी तुक निकलती है, आओ देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। वैसे तो इस वक्त दुनिया भर में बाहर के मुल्कों में ही लोग देख रहे होंगे क्योंकि पाकिस्तानी तो इस वक्त सो रहे होंगे, जब सो के उठेंगे तो पता चलेगा सबसे बड़ी खबर के हवाले से, क्योंकि इस वक्त आलमी सतह पर सबसे बड़ी खबर डोनाल्ड ट्रंप पर होने वाला कातिलाना हमला है। मैं उसके ऊपर क्यों बात कर रहा हूँ उसकी वजह मैं कुछ ही देर में बताता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली इंटरनेशनल टॉपिक है, मेरी डोमेन नहीं है, लेकिन कुछ विजुअल्स मैंने देखे तो उसके बाद मुझे लगा कि इसके ऊपर थोड़ी बात करते हैं क्योंकि बड़ी रिजेम्बलेंस रही है। इमरान खान डोनाल्ड ट्रंप हमला हुआ उसके बाद जो विजुअल्स मैंने देखे तो बहुत सारी मेमोरीज जो है वो रिकॉल होने लगी। कुछ देर में आपके सामने कुछ विजुअल्स भी रखता हूँ। तो डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त अमेरिका के सदारती उम्मीदवार हैं। कुछ देर कबल अमरीकी रियासत पेंसिल्वेनिया के इलाके बटलर में उनकी रैली थी। ऑब्वियसली चूँकि अब इलेक्शन करीब है, सदारती उम्मीदवार हैं, तो उनकी जो इलेक्शन कैंपेन है वो हर आने वाले दिन के साथ तेज़ होती जा रही है। तो कुछ देर कबल जो रैली थी उससे खिताब के लिए वो स्टेज पर मौजूद थे और इसी दौरान फायरिंग का वाकया पेश आया। तो फुटेजेस में देखा जा सकता है कि जैसे ही फायरिंग शुरू हुई कोई 8-10 फायर हुए और ट्रंप अचानक से नीचे झुक गए और रैली में भगदड़ मच गई। लेकिन इस दौरान जो सीक्रेट सर्विस के अहलकार हैं जिनकी जिम्मेदारी है उनको प्रोटेक्ट करना, उन्होंने फौरी तौर पर कोशिश की, उनको प्रोटेक्ट किया, उन्हें अपने हिसार में लिया और वहाँ से लेके वो चले गए। लेकिन इस दौरान जो झलक नज़र आई डोनाल्ड ट्रंप की उसमें देखा जा सकता है कि उनके कान के करीब ज़ख़म है या उनके चेहरे के ऊपर खून के निशानात देखे गए हैं कान के आसपास। तो बताया गया है कि एक गोली उनके कान को छूती हुई गुजरी है जिसकी वजह से वो ज़ख्मी हुए, मामूली ज़ख्मी लेकिन सरवाइव कर गए। बेसिकली ये असैसिनेशन अटैम्प्ट थी जिसे उन्होंने सरवाइव किया और फिर उन्होंने अपना मुक्का हवा में लहराया और थोड़ा गुस्से का इजहार किया या नागवारी का इजहार किया या हो सकता है कोई जेस्चर उन्होंने दिया और वहाँ से सीक्रेट सर्विस के अहलकार उन्हें लेके रवाना हो गए। जब मैंने वो विजुअल्स देखे तब मुझे लगा कि इसके ऊपर थोड़ी सी बात करनी चाहिए क्योंकि ऐसे ही कुछ विजुअल्स मुझे रिकॉल होने लगे इमरान खान के हवाले से, क्योंकि उनके ऊपर भी इसी किस्म का असैसिनेशन अटैम्प्ट हुआ और मैं चूंकि उस वक्त मौके पर मौजूद था तो लगभग वैसे ही मनाजर और वैसे ही कुछ विजुअल जो है वो माइंड में रिकॉल होने लग गए। और वैसे तो इस वाक़े के फौरी बाद इन्होंने अपनी रैली ख़त्म कर दी और जो मीडिया रिपोर्ट्स अभी तक आई हैं या उनके तर्जुमान का बयान आया है, ट्रंप बिल्कुल ठीक है, उनकी इब्तदाई तिबी इमदाद उन्हें दी जा रही है और इसी तरह के बयान उस वक्त भी आ रहे थे जब इमरान खान के ऊपर अटैक हुआ था। और अभी तक बताया गया है अमरीका से जो खबरें आ रही हैं कि दो हमलावर थे और उनमें से एक जो है वो माहिर स्नाइपर जो है वो बताया जा रहा है। और इसी तरह इमरान खान के टाइम पे भी यही बताया जा रहा था कि कोई माहिर स्नाइपर जो है वो तैनात किए गए थे और उन्होंने कोई अटैम्प्ट की थी जिनमें से एक तो कहीं इधर उधर हो गया जिसका पता नहीं चल सका, क्योंकि वो आवाज़ें मैंने खुद सुनी थी कि डिफरेंट जगहों से आ रही थी, अभी तक उसके बारे में पता नहीं चल सका। लेकिन यहाँ पर भी उसी किस्म के स्नाइपर बताए जा रहे हैं, 8-10 उन्होंने फायर किए और खुशकिस्मती से डोनाल्ड ट्रंप बच गए। तो ये सारी खबरें वैसे आप दुनिया भर के मीडिया के ऊपर देख सकते हैं लेकिन मैं यहाँ ऑब्वियसली कमाल की गल है यार, आप कहने कि दुनिया के सब तो जी स्ट्रोंग कंट्री है, एक पावरफुल कंट्री है वो अमेरिका है, तो उन्होंने जो पुलिस सिस्टम है जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो बहुत स्ट्रोंग है,
ਉਹਦੇ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਸਨਾਈਪਰਸ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਰੈਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਏਡੀ ਟਾਈਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਣਾ ਸਨਾਈਪਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਨਾਈਪਰ ਕੋਈ 10-12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਮੈਂ ਖੈਰ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਨਾਈਪਰਸ ਆ ਉਹ 500-600 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। पर फिर भी चलो आगे देखो। इमरान खान की रिजेम्बलेंस के हवाले से बात कर रहा हूँ, और अभी मैं देख रहा हूँ कि जो सोशल मीडिया के ऊपर टॉप ट्रेंड्स हैं वो भी सिमिलर हैं। मतलब मैं पाकिस्तान के ट्रेंड्स की बात नहीं कर रहा, मैंने कुछ देर पहले, चूंकि पाकिस्तान में ट्विटर चलता नहीं है, VPN लगा के UAE की लोकेशन से जब चेक किया तो दो टॉप ट्रेंड हैं। एक डोनाल्ड ट्रंप है, अरबी में लिखा हुआ है या जो भी उनकी लैंग्वेज है, और फिर साथ ही इमरान खान है। इमरान खान फॉर ऑब्वियस रीज़न के आज चूँकि उनके हवाले से फैसला आया तो वो ऑल ओवर द ग्लोब डिस्कस हो रहा है, इसलिए वो तो ट्रेंड में है ही है। लेकिन फिर डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो हुआ उसकी वजह से वो भी ट्रेंड में है, तो इस वक्त चूँकि ज़्यादा उन्हीं के बारे में डिस्कशन होगी तो खैर हम ज़्यादा बात नहीं करते। मैं थोड़ा सा आपको उस तारीख तक लेके चलता हूँ जब इमरान खान के साथ यही सारा कुछ हुआ। मैंने बड़े करीब से ये सारे विजुअल्स देखे, क्योंकि जब ये हमला हुआ तो हम एक ही कंटेनर पे थे। कुछ देर पहले उनका इंटरव्यू किया, इस बारे में उनसे पूछा कि आपकी जान को ख़तरा है, ऐसी कुछ मालूमात आ रही हैं। वजारत दाखिला, उस वक्त वज़ीर दाखिला जो थे वो राणा सनाउल्ला थे, उनके बयानात के बारे में पूछा, तो उन्होंने जो जवाब दिए तो लग रहा था कि कोई गड़बड़ है, कोई प्रिपरेशन तो थी उनकी, क्योंकि उससे पहले उनका कंटेनर था उसको अचानक रुकवाया गया एक जगह पे, और फिर बम डिस्पोजल स्क्वाड को लाया गया, उसकी पूरी तरह से चेकिंग की गई। तो हमें मेंटली ऐसा लग रहा था कि देर इज़ समथिंग रॉन्ग बिहाइंड द बॉल, किसी भी टाइम कुछ हो सकता है। मेंटली हम प्रिपेयर थे, लेकिन फिर भी वो काफिला चलते जा रहा था, हम भी कंटेनर के ऊपर सवार थे, आगे बढ़ते जा रहे थे। ऑब्वियसली ये विजुअल जो हैं ये बड़े पेनफुल हैं, इसलिए इनको ज़्यादा डिस्कस करना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर द कंपैरिजन, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंपैरिजन, के दोनों के ऊपर असैसिनेशन अटैम्प्ट लगभग एक जैसी थी, दोनों ने ही सर्वाइव कर लिया, और सर्वाइवल के बाद दोनों का जो अंदाज था वो मुक्का लहराने का, वो भी तकरीबन तकरीबन एक जैसा ही लग रहा था। और फिर दोनों को क्राइम सीन से रवाना कर दिया गया, और इन दोनों कि अगर मकबूलियत देखें, मकबूलियत के एतबार से भी ये दोनों अपने अपने ममालिक में अवाम की बेपनाह सपोर्ट हासिल कर चुके हैं, और दोनों को ही तकरीबन एक जैसे मुकदमात का सामना है, करप्शन के चार्जेस इधर, करप्शन के चार्जेस उधर, फिर रियासत के खिलाफ सरगर्मियों के इल्ज़ाम यहाँ, इसी किस्म के इल्ज़ाम वहाँ, फिर दोनों को इलेक्शन रेस से बाहर रखने के लिए मुखालफीन ने जो केसेस की भरमार की वो भी तकरीबन एक जैसे ही हैं। इमरान खान को यहाँ के निज़ाम ने जैसे तैसे करके इलेक्शन की रेस से बाहर कर दिया, लेकिन वहाँ पर सिस्टम थोड़ा अलग है, तो डोनाल्ड ट्रंप को कम अज़ कम इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई, उनकी सुप्रीम कोर्ट ने दी या जैसे भी उन्हें मिली, लेकिन उन्हें इजाज़त है इलेक्शन लड़ने की, इसीलिए वो अभी उम्मीदवार भी हैं। और इस कातिलाना हमले के बाद यकीनन अब ऐसा लग रहा है कि वो अमेरिका के अगले सदर बनेंगे, उनको रोकना अब बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो बाइडन की पॉलिसी से लोग बहुत तंग हैं, मेरे कुछ ओवरसीज फ्रेंड हैं अमेरिका में, उनसे बात होती रहती है, वो भी यही बताते हैं कि ट्रंप का जो आना है वो तकरीबन तय है, अगर अवामी सतह पर या वोट काउंट के अतबार से देखा जाए, वहाँ फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली कोई फॉर्म 47 वाला कोई सीन नहीं है, या इस किस्म की धांधली वाला कोई सीन नहीं है जिस तरह से यहाँ पे 8 फरवरी के इंतखाबात में किया गया। भाई वो तो साढ़े भी है नहीं गा, फॉर्म वाला काम तो बड़ा पुराना है, ये तो जो पाकिस्तान के ये चीज़ हुई सी ना उस टाइम ही देखा, क्या सी मैं भी कि यार अजकल वोटिंग सिस्टम कहे डिजिटल लैवल तक पहुँच चुकी है, तो पाकिस्तान से हजे भी उही पुराना सिस्टम चलन डाया, जेकर कितने नवा सिस्टम चलता हों तो की यह धांधली हो सकती सी कि इमरान खान में तुसी एदा बार किता जा सकता सी। No. वहाँ ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता, तो इसलिए ट्रंप का आना है वो तकरीबन तय है। और फिर इसराइल फलस्तीन तनाज़े में जो बाइडन का जो किरदार रहा उससे भी काफ़ी नफ़रतें बढ़ी हैं, वहाँ के लोग जो है वो ज़िम्मेदार ठहराते हैं जो बाइडन की पॉलिसीज़ को, कि उन्होंने जो इसराइल है उसका हाथ नहीं रोका या उसको उल्टा मदद फराहम करते रहे कि आप गजा में जो कुछ कर रहे हैं वो करते रहें, इवन असला भी फराहम किया और भी बहुत सारी चीज़ें। तो इस वक्त फॉर द ऑब्वियस रीज़न डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडन से ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा मकबूल उम्मीदवार हैं, और इस हमले के बाद तो और भी ज़्यादा हो जाएंगे।
अभी इमरान खान को मालूम नहीं कि इस हमले के बारे में इतला मिली या नहीं, वहाँ वैसे पीटीवी तो चलता है उनके पास और अभी कोई नमाज का टाइम है तो ज़रूर जाग रहे होंगे, या जैसे ही उन्हें पता चलेगा या इतला मिलेगी तो मेरा ख्याल है वो अपने इस दोस्त के लिए फ़िक्रमंद भी होंगे और मेरा ख्याल है जब भी कोई उनकी नेक्स्ट मीटिंग होगी तो वो हिदायत करेंगे कि कम अज़ कम बयान के ज़रिए या उनके ट्विटर अकाउंट के ज़रिए इस हमले की मजम्मत की जाए, क्योंकि वो ख़ुद भी एक ऐसी ही सिचुएशन से गुजर चुके हैं तो उन्हें बेहतर एहसास होगा इस चीज़ का। वैसे जब इमरान खान पर हुआ था हमला तो उस वक्त मेरा नहीं ख्याल कि ट्रंप ने कोई इस तरह मजम्मत की थी या कोई टेलीफोन किया था, लेकिन जो सबसे पहला फ़ोन किया था इमरान खान को उनके हमले के बाद वो मोहम्मद बिन सलमान ने किया था उनकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए। इस हमले के ऊपर भी आलमी दुनिया का रद्दअमल जो है वो आना शुरू हो चुका है और आने वाले दिनों में या आने वाले चंद घंटों में और ज़्यादा हो जाएगा। वाक़े की तहकीकात भी शुरू कर दी गई हैं और अमरीका जैसे मुल्क में ऐसे वाक़यात की तहकीकात, मेरा नहीं ख्याल कि उनके पास कोई तहकीकाती वसाइल की कमी है या कमी होगी जिसकी वजह से वो हमला आवरों तक ना पहुँच सकें। अभी इतला तो आ रही है कि एक हमला आवर तो उन्होंने मार दिया है और दूसरे की कहीं शायद तलाश जारी है, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा बहाना वो बना सकेंगे कि कोई हमलावर पहचाने नहीं गए या किसी ने कोई मेकअप ज़्यादा किया था इसलिए नहीं हो सका। उनके पास वसाइल भी हैं, टेक्निक्स भी हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, तो मेरा ख्याल है वो दूसरे हमलावर तक भी पहुंच जाएंगे। हमारे नुमाइंदे हैं वहाँ पर वाशिंगटन में जहांज़ेब अली, वो बड़ा करीब से अमरीकी हुकूमत के मामलों को कवर करते हैं, हमारे तक भी पहुँचाते हैं, आपने भी अक्सर उनको देखा होगा टी वी चैनल के ऊपर। तो वो ये बता रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट में अपनी मकबूलियत खो चुके हैं काफ़ी अरसे से, लेकिन अवामी सतह पर उनकी मकबूलियत ना सिर्फ बरकरार है बल्कि बढ़ती जा रही है और फिर अब इस हमले के बाद उनकी पोजीशन और ज़्यादा मजबूत हो गई होगी। इसी तरह जो उनके मुखालिफिन हैं कम अज़ कम उनमें भी इसी किस्म के सेंटिमेंट्स होंगे कि कम हमला नहीं होना चाहिए था, किसी को जान से मारने की कोई अटैम्प्ट नहीं होनी चाहिए। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा की जानिब से इस वाक़े की मजम्मत की गई, ट्वीट किया गया और कहा गया कि सियासत में इंतहा पसंदी की कोई गुंजाइश नहीं है। जो बाइडन है उनका जो सख्त मुखालिफ समझा जाता है अभी अमेरिका में, उनका अभी तक कोई रद्दअमल नहीं आया। एज इफ़ नाउ जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैंने रिकॉर्डिंग से पहले उनका ट्विटर अकाउंट चेक किया कि क्या कोई ट्वीट किया उन्होंने या कोई बयान आया, तो अभी तक उनकी तरफ से कोई रद्दअमल नहीं आया। बाद में आया तो वो हम किसी नेक्स्ट व्लॉग में शामिल कर सकते हैं। फिर बाकी ममालिक का रद्दअमल भी अब यकीनन आना शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान, भारत, चीन, सऊदी अरब, मशरक़ वुस्ता के जो ममालिक हैं उनका भी रद्दअमल वज़रा खारजा की जानिब से आएगा और मेरा ख्याल है कि कई दिनों तक अब यह मामला हेडलाइंस में रहने वाला है। तो ये अभी तक की लेटेस्ट अपडेट थी, मैंने सोचा आपसे थोड़ी सी डिस्कस कर लें क्योंकि रिजेंबलेंस इमरान खान से थी तो बनता था करना। सो इस आज एक वीडियो जिसे आप भाई साहब ने बहुत अच्छा जो एक्सप्लेन किया सारा कुछ के उत्तर वाक्य होया है। मेरे ख्याल ये जो जर्नलिस्ट ने ARY न्यूज़ है आप जी इमरान खान का इंटरव्यू कर रहे हैं उन्होंने रैली के उदों माइक का आप देखा कि ARY वाला माइक जो इन्होंने फड़िया हो। सो देखो मैं समझता सीगा कि शायद ना अमेरिका दे विच इदां दी चीज़ां बहुत घट होणगियां जां ना दे बराबर ही है क्योंकि वह बड़ी जिहड़ी सिक्योरिटी उत्थे दी टाइट है, बड़ा सिस्टम उहनां दा स्ट्रोंग है। बट नहीं देखो जदों कदे किसी का दिमाग खिसकदा है जां जो भी है, क्योंकि देखो जदों पॉलिटिक्स हुंदी है एक कोई भी प्रधानमंत्री है जां राष्ट्रपति है सारी सारा देश उहदे तों खुश नहीं हो सकदा। ठीक है, हमेशा ये 50-50% की रेशो ही रहती है, 70-30 की हो सकती है, 60-40 की हो सकती है कि 60% पसंद करने वाले है 40% नहीं पसंद करने वाले। ठीक है, इदा जी रेशो हमेशा रहती है, मतलब तुम कदे भी ये नहीं हो सकता कि 90% लोग जो पसंद कर रहे हैं 10% लोग पसंद नहीं कर रहे। हाँ हो सकता कोई छोटे देश है उन्होंने दे हो सकता है, पर जिते कोई डायवर्सिटी है जिते बहुत सारिया इदा दियाँ कम्यूनिटीज़ रहा वक्रिया वक्रिया दुनिया के कोने कोने तो आ रहे हैं, बहुत व्डा मुल्क है उत्ते इंडी जी इस लैवल की परसेंटेज देखनी नामुमकिन है। सो दूजी गल कि इमरान खान के नाल काफ़ी सारिया अपन सिमिलैरिटीज़ देखने मिलती हैं, जोड़े लोग इमरान खान को पसंद करते हैं जिन्होंने इमरान खान को वोट की चाहे वह जेल में सी भी उन्होंने वोट की, तो लोग भी मतलब इस चीज़ का दर्द सह सक मतलब समझ सकते हैं क्योंकि सारिया दादा ताजिया हो गई, इमरान खान नाल भी सेम चीज़ हुई है। ठीक है, कि अगे जाके ये ना पता लगे कि हाँ भी जेडे ग्रुप ने इमरान खान का असैसीनेशन करने की कोशिश की उस ने ट्रंप की की है, क्योंकि जदों आप इमरान खान के मूँह सुनिया से तो उन्होंने ही कहा सीगा ते जा उन्हां दी टीम ने जा काफ़ी सारी मीडिया के लोगों का भी यही कहना सीगा कि ये अमरीकी साजिश है,
कि पाकिस्तान के जिहड़े मौजूदा प्रधानमंत्री है उन्होंने अमेरिका की हैल्प दे नाल इमरान खान नूं रस्ते तो हटाया, ठीक है। तो वह अमेरिका की जिहड़ी मौजूदा सरकार है फिर वो उसे दी हैल्प हो सकती है। देखो एक हो सकता कितना कितने तार अगे जाके मिल जाए। मैं इन्ना एक्टिव है नहीं पॉलिटिक्स के, बट मैं लगा कि हाँ कि ये जिहड़ियां सिमिलैरिटीज़ है ये आपां एक वीडियो के जरिए जरूर डिस्कस करनिया चाहिए। एंड मैं लग रहा वाकई पता नहीं आई डोंट नो बट मैं बहुत जिहड़ी तगड़ी वाइब आ रही है कि हो सकता अगे जाके कोई इदां दा कनैक्शन निकल आवे जेकर जेकर जिहड़ी तफतीश आ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮਿਲਾਵਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਯਾਰ ਵੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਮੁਜਰਮ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨੂੰ ਫੜਦੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਗਲਵਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫੜਨਾ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਕਿੱਧਰੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। सो थोड़ा की मन्ना मैं थले कमेंट करके जरूर दस्यो इस हवाले नूं लैके। तो इमरान खान दे केसेस नूं लैके एक न्यूज़ आई है, उहदे बारे जेकर कहोगे तां आपां अगली वीडियो च डिस्कस करांगे जरूर। तो जस्ट कमेंट डाउन बिलो। मैं बड़े टाइम बाद कोई इमरान खान दी वीडियो बनाई है, सो जिहड़े जिहड़े पसंद करदे वी वीडियो लाइक शेयर पक्का करो एंड मेक श्योर यू हिट दैट सबसक्राइब। अरे प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर, शेयर कर जरूर कर ना बोल।